बरकलील्म की एक हदीस जो है सवाल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ वे एक जगह बैठे हुए थे और एक शख्स आया उसने कहा जी मेरा ऊँट जो है वह पागल हो गया ऊँट पागल हो गया है नबी पाकल्लम ने कहा कि मुझे ले चलो वो एक बाघ था जिसमें वह ऊँट था और रसोल पाकल्लम जब उस बाग में दाखिल हुए हैं तो ऊँट जो था आपकी तरफ भागता हुआ आया और साहबा इस बात से कि कहीं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचाए वो ऊंट आया और ने की तरह गिरा दिया और रुक गया मेरे नबी पाक ने, ने उस पर हाथ रखा और उसका वो पागलपन चला गया ये यहां ये मकसद हदीस नहीं है इसके बाद सहाबा ने रसूल पाक से कहा कि या रसूल अखर ऊंट जानवर भी आपको सजदा करते हैं तो हम तो इंसान हैं हम अशरफुलमखलूक हैं हम सहाबी हैं क्या हमारा हक इस जानवर से ज़्यादा नहीं कि हम सजदा करें इस बात पर मेरे नबी ने यह कहा था कि मेरी शरीय में कोई किसी को सजदा नहीं कर सकता सवाय रब के अगर मेरी शरीय में अगर मेरी शरीय में इस बात की इजाज़त होती तो मैं बीवियों से खातीन से कहता कि वो अपने शहरों को करें लेकिन नहीं क्योंकि इजाजत नहीं, नहीं करना लेकिन अगर होती तो मैं खवातीन से कहता यह हदीस मुकम्मल सुने हुए मुझे कम अज कम मेरे ख्याल में कोई तीस साल हो गए कोई का अगला हिस्सा आपको नहीं बताएगा नहीं सुनाएगा इस बात से मैं जाती तौर पर डरता हूं कि अगर मैंने ये पूरी हदीस सुना दी और किसी शख्स ने मेरे नबी पे कोई ऐसा जुमला कह दिया जो कि मेरे दिल को पसंद ना आया तो मेरे पर फिर क्या चीज वाजिब होगी इसलिए मैं आज के दौर में यह बात ना किसी बे बेटी से कह सकता हूँ ना बहू से कह सकता हूँ हती कि मैं ये बात शायद अपनी बीवी से कहता हुआ भी घबराऊं क्या हम इस वक्त अपनी इस दौर में इस जवाल पे आ गए कि अब हम वारे की बातें करेंगे जो आजकल की मूवमेंट्स चल रही हैं उसके मुताबिक उसके बगैर हम शायद अब अपने आप का सर्वाइवल भी सही महसूस या महफूज नहीं कर पाते बहुत ही आ, आला शख्सियत से इसकी गुफगू करूंगा अगर इनके पास इसका जवाब नहीं होगा तो फिर इस मुल्क में मेरे ख्याल में सौ साल आप और इंतजार करें दोनों वाइस चांसलर्स हैं एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और एक के कर चांसलर है ये मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ खैर से और जनाब हमारे साथ प्रोफेसर डॉ महबूब साहब वहीकूँ खैरियत सर सर पहले आपसे इब्तदा करता हूँ हजूर डॉक्टर वाकफ़ बताइए मेरी उम्र के जो तलब इल कॉलेज में इस्कूल में जाते थे जहाँ हम पढ़े जहाँ बड़े हुए जिन दरख्तों के नीचे बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज में हमने मारे खाई जिन क्लासेस में हम बैठे वो सारे जो मजाज थे अब वो बदल गए हैं आपको लगता है कि आज की जो नई नस्ल है वो जहनी तौर पर इतनी कफ़ील है कि आने वाले वाकयात आने वाले वक्त को वो चैलेंज को कबूल करे इंटेलक्चुअली ये दौर जो है इस वक्त बहुत चैलेंजेस का दौर है क्योंकि आबादी इंतहाई तेज़ी से बढ़ी है लेकिन हमारी तरबियत और तालीम देने की इस्तेदाद उस तेज़ी से नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी तो जैसे कि हर दौर का ये चैलेंज रहा है खुद अल्लामा इकबाल के बहुत सारे अशार हैं कि पानी ना मिला जमज़में मिल्ल से जो इसको हाँ। पैदा है नहीं पौध में इहाद के अंदाज़ तो हर दौर हाँ। में जो जो मुफ्करन होते हैं वो इस इस पर बड़ा जोर देते हैं क्योंकि इसकी अशद ज़रूरत होती है तो आज भी यही चैलेंज है कि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसकी एक बड़ी तादाद को जो आगे जिंदगी में चल के उन्होंने एक लीडरशिप रोल प्ले करना है क्या उसके लिए सही तालीमें इस्तेमाल किया मुफ्करन जी मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि नब्बे फीसद मेरे बच्चों को इसका लफ्ज का मतलब भी नहीं पता कि मुफक्र होता कौन है ये मुफ़्रीन अब कहाँ हैं बिल्कुल ये ये पैदा होते हैं इस शदीद क्राइसिस के दौर में कि जब कौम महसूस करती है कि के, के उसको उसकी रहनुमाई की जरूरत है और वो मुतफ़ होती है उनके तफक् के ऊपर तो जो उनकी फिक्र से उनकी फ़िक्र से वो एक ऐसा फिक्र एक ऐसा बयानिया पेश करते हैं कि सारी कौम फिर उनके पीछे उस बयानिया पर चलती अब से देते है देते हैं बयानिया जी अब नहीं देते सियासत और रियासत हमारे पास है <laughs> तो ये दोनों तरीकों से बयानिया आ रहा है और मुफक्रीन जो है वो पीछे रह गए लेकिन अब जरूरत दोबारा इस अमर की है कि मुफ्करन से बयानिया तैयार कर बात बहुत खौफनाक नहीं लगती कि अगर हमारे पास सोचने समझने वाले इशफाक अहमद नहीं है बानो आपा नहीं है मुफ्ती नहीं है और हम अपनी यूनिवर्सिटियों में नौजवानों को तालीम तरबियत के बगैर दे रहे हैं तो यह खतरनाक बात नहीं लगती डर नहीं लगता ये, ये खतरनाक है क्योंकि क्योंकि जो तरबियत होती है उससे वो जो तजर्बे का आ, द, अमल है उसको छोटा किया जा सकता है क्या बात है जो क्या तजर्बा बात है हाँ, जो बीस हाँ, पच्चीस तीस चालीस साल भी लग सकते हैं हाँ, उसको हम चाहते हैं कि उस तरबियती अमल में हाँ, उस तजर्बे के वक्त को छोटा किया जाए और वो जो जो तालीम लेके जा रहे हैं वो बहुत जल्द अपना जो रोल है वो प्ले कर सके बट ये ये बात जो है ना ये आपने जो आज किया बात से वाक्य भी नहीं ये इशफाक साहब ने आज से बीस साल पहले कही थी उन्होंने कहा कि हर शायद जरूरी नहीं होता कि वो इश्क भी करे लोग दूसरों के इश्क के तजर्बों से भी अपने आप को समझने की काबिलियत रखते हैं लेकिन वो तजर्बा कोई कैसे शेयर करेगा हजूर एक दस आज़ादी इजहार का लफ्ज़ जो है वो मैंने तो अपनी कम से कम जवानी में नहीं सुना था लेकिन हमारे पास कहने को लिखने को बहुत था मतलब मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को नहीं जानता जो शायरी ना करता हो मैं नहीं जानता जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे लॉरेंस गार्डन ना जाता मैं नहीं जानता उन लोगों को जो मॉर्निंग वॉक करने या इवनिंग वॉक करने जाते हो और वहाँ बैठ के शायरी में एक दूसरे का मुकाबला ना करते हो अदब में मुकाबला ना करते हो अफसाना ना पढ़ते हों चोरी चोरी किताबें वो जो ना पढ़ने की थी वो भी पढ़ते हों मनटों के अफसाने ना पढ़े हों इस मुल्क में इजहार आज़ादी का इतना हो गया लेकिन वो इजहार जो है वो कंस्ट्रक्टिवली नज़र कहाँ आया किस जगह नज़र आया आपको बिस्मिल्लर वलिल्म करीम बहुत शुक्रिया बिलाल भाई बात यह है कि बिलाल भाई इजहार राय की आज़ादी ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको समझने के लिए भी बड़ी मेहनत की ज़रूरत है सही बात है आपकी राय आपने कहा उसका इजहार करना, करना है कहा राय को छुपाना है।, है कौन सी राय को बताना है।, है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, है।, है। इसीलिए ये जुबान जो अल्लाह ताला ने दी है ये आपके लिए बहुत बड़ी खैर का भी सबब है और बहुत बड़ा इसका जो जख्म है वो तो तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा है और मिटता ही नहीं है बदकिस्मती हमारे यहाँ क्या हुई है वो ये हुई है कि हमने Uh, मेरा ख्याल है जो गुजश्ता हमारे पंद्रह साल अगर हम देखें तो हम आगे नहीं बढ़े हम पीछे की तरफ जा रहे हैं जवाल की तरफ कहीं? जवाल की तरफ उरूज की तरफ नहीं गए हम इलम के मैदान में भी अमल के मैदान में भी के मैदान में भी अदब के, के मैदान में भी और फिर जब से ये आलाते जरब आ गए ये जदीद मीडिया तो जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि फिक्र आप बड़ी फिक्र क्या है फिक्र ये है कि आप सोचते हैं एक माहौल है एक कैद खाना है मसलन उससे बाहर निकलने का नाम फिक्र है कि मैंने किस अंदाज से इससे बाहर निकलना है ये फिक्र जो कहते हैं ना जी फिक्र मुंजमिद हो गई तो मतलब है कि आप कैद खाने के अंदर फंस गए हैं फिक्र ये नहीं है कि जनाब मैंने ये बड़ी किताबें लिखी दी भाई उस किताब है अगर सौ सफे की किताब है नहीं बाहर निकल रहे देखे ना कैद है ना कि वो उस उसमें फंस गए उससे निकलना कैसे है ये जिन लोगों के आपने नाम लिए ना ये बड़ी आसान आम फहम जुबान में उससे बाहर निकाल देते थे मसला इशवाक साहब कहते हैं कि क्यों तू फिक्रमंद रहता है कि रोटी तो रोटी देने वाला जब तक मौजूद है उस वक्त तक फिक्र की जरूरत नहीं है तो रोटी देने वाला ने तो रहना तो ही है तो इसलिए फिक्र की क्या जरूरत है उसका फिक्र ये कर कि रोटी आ गई तो तूने आगे कैसे डिलीवर करनी है तूने आखिर सबब क्या बनना है हाँ, हाँ। हमारे यहां एक जमूद आ गया है जम गई है चीज जम गई है और बड़े जो हैं वो कहते हैं यार मुझे क्या जरूरत है मैं इससे मगजमारी करूं और छोटा जो है वो कहता है ये बड़ा क्या चीज है मैं इससे बड़ा मुफक्कर हूं हमने एक तहरीरी मुकाबला करवाया मैं आप तहरीर का तहरीर का हां तकरीबन उसमें 1200 के करीब طلباء ने पूरे मुल्क से हिस्सा लिया अब एक तालबिल्म लिखता है कि इस मामले में शाह वली की राय यह है लेकिन मेरे फुला जो आज के दौर का मुमकिन है मेरे जैसे तालब इम हो दीन का मुझसे तो बेहतर होगा चले उसकी राय यह है मैं तो शाह वली की राय पे उसकी राय को फोकियत देता हूं ये आपका आप आके यहां खड़े हो गए इससे निकलना कैसे है ये सवाल है आप फंस गए हैं है, इससे निकलना कैसे है मैं डॉक्टर साहब से बात करूं इससे निकलना कैसे आपने इस बात पे जमे रहना है आ, वो फिक्र माश इश्क बुतों और याद रफ्त का सौ सौ मुसीबतें हैं और जाने ना तमाम हजूर एक तस मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद है मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था फर्स्ट या ये सेकेंड ईयर में था तो किम्स का वहाँ पे वो था कैंटीन थी किम्स की ना उस कैंटीन पे तीन दिन और दो रातें बैठ के अपने और इलमों के साथ सिर्फ ये बहस करते रहे कि अगर यहाँ से हम सड़क पार करें और पंजाब यूनिवर्सिटी क्रॉस करें और रास्ते में कोई रक्षा हमें मार दे ये मुकद्दर है यह हादसा तीन दिन और दो रातें यह बहस होती रही और उसद भी हमारे साथ बैठे रहे और ये जो वक्त उस्ताद का हुआ करता था जी। डॉक्टर साहब क्या ईमानदारी से ये नहीं लगता कि ये अब गूगल ने ले लिया है ये अब वाट्सअप ने ले लिया है ये अब एंड्रॉड ने ले लिया अब उस्ताद की हैसियत है ही नहीं बिल्कुल बिलाल भाई ये ये ज़माना ऐसा आ गया है और हमें इसको तब्दील करने की ज़रूरत है हमें अपने तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में जो जो उस्ताद का टाइम है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है उस्ताद का आज डॉक्टर साहब वो किरदार और कैपेसिटी है Uh, उस्ताद की किरदार और कैपेसिटी डेफिनेटली uh, उस लिहाज से नहीं है और उस्ताद और इस को जो इस पेशे से मुनसलिक हैं दोबारा अपने आप को रिकमिट करना पड़ेगा उस मिशन के साथ क्योंकि ये तो जैसे uh, मुसलमह है कि ये तो मिशनरी पेशा है इसमें आपकी ज़िंदगी वक्फ हो जाती है इल्म के लिए और इल्म को आगे बढ़ाने के लिए तो आपकी अपनी जिंदगी मैं मिशनरी को मिशनरी को तबलीख में कह सकता हूँ बिल्कुल हमारी उर्दू जुबान में ही ये एक का एक मामला है तुम्ण तुम्ण आप तबली कर रहे हैं उस बाद जो है वो तबलीखी है वो जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे तीन माँ बाप हैं एक जिनके यहाँ जिन्होंने जिन्होंने तुम्हें पैदा किया एक जिनके यहाँ तुम गए और एक जिन्होंने तुम्हें तालीम दी डॉक्टर साहब ईमानदारी से मैं मैं खुद एक उस्ताद उस्तादूँ क्या आपको ये एहसास होता है कि आज का तलब इलाम आपको वाकई बाप की जगह रखता है आ, ये उस्ताद से उस्ताद तक आ, आ, वेरी करेगा आ, मैं इसमें अपने आप को अगर बीच में लाऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे इंटेंस रिलेशनशिप्स जो हैं अपने तलबा और तलबात के साथ डेवलप कर चुका हूँ और डेफिनेटली इस पेशे की एक ख़ूबी यही है इसमें उस तरह आपको माली आसूदगी नहीं मिलती जितनी आपको इस तरह के रिश्ते में कि आपके रूहानी औलाद आप क्या बात होती है तो है। जिनके साथ आपका जो इल्म ट्रांसफ़र करने का जो आपको ये समझते हैं कि आपने उनकी डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जो जो एक ज़माने में तो आपके स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन कुछ अशरों के बाद वो आपके दोस्तों में दोस्तों में क्या बात है क्या हा हा हाँ हा। अच्छा डॉक्टर साहब आपको एक बहुत बड़ी ना एज हासिल है अब जैसे गोल्फ में कहते हैं ना कि वो आपको पहली बेनिफिट मिल जाता है जी, कुछ जी, होल्स का आपको हैंडी पता है हैंडीकैप है, है, है। जो है आपको हैंडीकैप पता है क्या है आपके पास दरख्त हैं आपके पास खुली जगह है आपके पास दरख्तों के नीचे बेंच लगे हैं आपकी लैंडस्केप हुई हुई है अब यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कराए की कोठियों में है अब मैं जब तालब इल के साथ वो माहौल ही नहीं पैदा कर सकता मैं उसके साथ चाय की प्याली पी नहीं सकता उसके साथ बाहर जा ही नहीं सकता तो डॉक्टर साहब डैमेज कंट्रोल तो फिर नहीं होगा ना बिल्कुल नहीं होगा इस हवाले से यह है कि हुकूमत को तालीम को रिस्टोर करने के लिए उस परपज के लिए जिस परपज के लिए ये स्टेट प्रोड्यूस करती है ये इंस्टीट्यूशंस बनाती है उनको सब्सिडाइज करती है और जो हर मुआरा हर तहजीब करती आई है अगर आप कंफ्यूशस की भी तालीमा देखें अगर हम अपने इर्द गिर्द तो अपने तहजीब से भी सबक लें तो, तो अगर देखा जाए तो हर दौर में तालीम उनको दी जाती थी जो मुस्तबिल के लीडर्स होते थे जिस जमाने में शहजादों को सिर्फ तालीम दी जाती थी उन्होंने लीडर बनना होता था आज जब हम तालीम आवाम के एक बड़े तबके को दे रहे हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं तो उसी हिसाब से इनको तैयार करना है जो कल जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर आनी है तो रिसोर्स भी उसी हिसाब से एलोकेट होने चाहिए एक उनको कुशादा माहौल मिलना चाहिए इसको बेहतरीन मिलने चाहिए और फिर उस माहौल में जो उसद और तलब इन का रिश्ता है उसको उसको हमने परवान चढ़ाना है उसको परवरिशा डॉक्टर साहब अब हे बहस करते हैं कि वो जो तरब है वो भी एक किताब हो जो कि वो तरबियत करे वो हमें एक टीचर रखना चाहिए जो कि एक तरबियत का लेक्चर ले और फोर्टी आवर्स एक सेमेस्टर में पढ़ाए अब ये तरबियत भी क्या हमने आउटसोर्स कर दिया या कुछ और भी हो सकता है नहीं तरबियत तो देखें हर हर उस्ताद की ये तो वो है जो डिवाइड होगी ये एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता तरबियत का बल्कि हर जो जो टॉप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ उसकी तरबियत ठीक लाजमी है तो एक उस्ताद जो है उस की ट्रेनिंग में ये शामिल होना चाहिए कि वो तरबियत देने वाले इस बने वो अपनी अपना जो इल्म है उसको अमली सूरत इस, में इसमें एक बहुत ज़्यादा ना मेरे ख्याल में एक शायद एडमिनिस्ट्रेटिव शायद फॉल्ट है ये आपने ज़रा गौर करनी है ये बात एक ज़माने में एक दौर आया आयाब इलमी का था तो नया नया उस वक्त दौर आया कि इस्लामियात भी पढ़ा करें तो हम तो आर्किटेक्चर पढ़ते तो हमने कहा जी हमारा क्या कम इस्लामियात से हम से इस्लामियत तो स्लूमियात पढ़ते ये चार आयतें पढ़नी ये फ़लाना पढ़ना है हम बागी लोग थे अल्लाह माफ़ करें हम बागी लोग थे लेकिन एक उस्ताद ने ये बात कही और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे उनका इंतकाल हो गया इस्लामी करते थे बहुत खूबसूरत उन्होंने कहा कि जनाब जरूरी नहीं है कि आप ये चार ही और ये दो ही इकबाल तक कुन फयाकून तक पहुंचा और कुरान ने उसकी तफसीर की क्या ये उस्ताद आज मौजूद है ऐसे उस हैं वो खाल खाली आपको नज़र आएंगे मैं आपसे मुतफ़ हूँ और ये बात अफसोस से है वक्फे पर जाऊँगा वापस आऊँगा दीनी मदारस इनका किरदार मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा है क्योंकि अगर ये ना हो अदारे तो मेरे ख्याल में ये बच्चे जो हैं ये भूख के हाथों शायद या क्राइम कर रहे हों या क्राइम बन रहे हों लेकिन क्या यहीं पर किरदार रुक जाएगा या इससे आगे जाएगा सच्ची बात वापस आके साहब बिस्मानी ताहिर भाई ईमानदारी से थके और टूटे दिल से मैंने मदरसों का मैंने नमक खाया हुआ है मैं उस्तादों के कदमों में बैठा हुआ हूँ और मैं आपको ये बात जो है ना ये फ़खर से कह रहा हूँ हाथ मैंने ऐसे ही बांधे हुए मैं फ़खर से कह रहा हूँ मैंने नमक खाया हुआ और मैं वो सदक़े का गोश्त वहाँ जो आता था लोग जो देखे जाते थे मैंने उस शौरबे में, में रोटियाँ भिगो भिगो के खाई हुई हैं लेकिन उसका का किरदार ही होता था कि वो मगरब के बाद मोटरसाइकिल पर अपनी बिठा के ना हमें वापस भी छोड़ो मैं जाम नैमिया की बात करूँ रात को वापस भी महल में छोड़ के आते थे कि तुम कल्ले ना जाओ क्या मदरसे का सिर्फ यही काम है कि वो मुहदस पैदा करे वो मुफ्ती पैदा करे जो फितना फैलाएं जो अपनी अपनी राय के ऊपर सड़कें बंद करें या इससे भी कोई और काम आगे जा सकता है आ, बिलाल भाई मैं ख़ुद एक मदरसे का तलब इम हूँ मामला क्या है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जब माशरे ने जो मुआरे परम्मेदारी थी जो हकूमत पेमेदारी थी उन्होंने अदा नहीं की तो वो की? सब कुछ आपने की? नहीं मैं, हम भी नहीं कर सके मैं मैं अर्ज करता हूं आपसे मदरसे की तरफ जब दुनिया मुतवजह हो गई तो अब जिस तरह ये पांच है वो इसी तरह मदरसे भी सारे बराबर नहीं अगर रशीद को हम लेते हैं तो वहाँ से निकलने वाला फौज में भी जा रहा है नेवी में भी जा, भी जा रहा है बैरियर में भी जा रहा है वहाँ से निकलने वाला बेहतरीन इंजीनियर भी बन रहा है वहाँ से निकलने वाला बेहतरीन साइंसदान साइंसी भी पढ़ रहा है इसी तरह एक समझ लें लीड क्लास के मदारस आ गए और फिर एक नीचे वो हैं कि जिनका मोहत गली गली, गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सो सौ रुपया खराद, है। खराद करके उसने कहा कि भाई ये रसूलुल्लाह कुरान शरीफ पढ़ लो अच्छा अब वहां ये स्टेज आ गई कि ये जो काल्ला वाला काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता देता मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस वक्त के दोस्त थे जो दिल्ली की जामिया मस्जिद के इमाम खतीब थे उनके बेटे ने डांस सीखना शुरू कर दिया अब मौल साहब ने बेटे को घर से निकाल दिया मौलाना आजाद गए तो कहा भाई वो किधर है गुलाम हुसैन उसका नाम था तो उनने कहा कि जी वो वो मैंने घर से निकाल दिया वो तो डांस सीख रहा है तो उन मौलाना ने भेजा और उसको ढूंढ के मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें जी कला उसे ढूंढ के लाए अच्छा और कहा कि बाप तेरे ने निकाला है मैं भी तो तेरा बाप हूं आइंदा तू मेरे दफ्तर में रहेगा मुकम्मल सहूलत और खर्चा उसको दिया हाँ वो खुद ये बात बताता था वो शख्स साथ साथ मेरी तरबियत भी करते रहे कहते एक बात जो वो सबको अपने कहता था वो कहता था कि एक मेहमान आया ना तो आप उसे कहें आइए तो शरीफ रखिए तो वो कहेगा ये बड़ा बादब बच्चा है और उन्होंने फिर वो पंजाबी में कहा, तो उनको आया बैजा तो वो कहेगा यार ये बड़ा ही बदतमीज बच्चा है ले जा नहीं। अब ये देखें ये बड़ी छोटी सी बात, बात है।, है बात एक ही कह रहा है वो कहते ये है तरबियत और ये है फिक्र कहा मौलाना आजाद कई बार मुझे ये भी कह देते क्या सीख के आए हो तो मैं दो पैर मार के जब दिखाता तो कहते अच्छा ठीक है लेकिन सुबह मुझे नमाज के वक्त आवाज दे देते दे तो ये ख्याल हुआ कि ये, है, 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 ये है। उठा होता है, है। और मुझे कभी नहीं कहा था पढ़ सिर्फ फर्ज में बात की थी उन्होंने मुझे आवाज दी ये भी नहीं कहा नमाज पढ़ आवाज गुलाम हुसैन तो कहते मैं हाय 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 मैं अपने की बात है है। करता हूँ मौलाना अब्दुलरहमान उनके बड़े दर्जात करे जब मैं दौरा हदीस में था जाम अशरफिया में तो वो सुबह तीन बजे या साढ़े तीन वक्त के मुताबिक जो तहजद का एक वक्त फजर से पहले वो अपने दरवाजे पे बाहर आते थे और एक ऊंची आवाज़ से उन्होंने कहना अल्लाह सुबहान अल्लाह वो हो जो तहज के आदि हो चुके थे या जो ताज पढ़ना उनको पता चल जाता था कि ये टाइम हुआ है मेरा कमरा मस्जिद में था वो देखते थे दो चार पांच मिनट कि ये मस्जिद के कमरों में से किसकी लाइट जल रही है जली है या नहीं तो वो करीब से गुजर के हल्का हल्का हाथ मार, मार देते, देते थे तो अगर आपने नहीं भी उठना होता था तो इस शर्म से आप उठ जाते थे उस्ताद उठाने आए क्या बात है मेरे शेख मौलाना मूसा खान रोहानी बाजी रामबर मैंने ये आज दुनिया बात करती है पैसों की मेरा ख्याल है कि उस दौर में जितना पैसा शेख मूसा खान बाजी को दुन्... लोग दे के जाते थे किसी के पास नहीं होगा सही कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कसम भी उठा सकता हूं कि अगर एक लाख रुपया भी किसी ने अस्सी की दहाई में उस शख्स को दिया है तो अगले दस से पंद्रह मिनट के बाद या दो घंटे के बाद वो तकसीम हो गया होता था कह रहे हैं। मैंने एक बार, बार कहा कि आप ये तवीज के जी पैसे ले लेते हैं कहा ये डॉक्टर को पैसे देते हैं है। इनके हाँ ये जो मेरे पास आते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर इनको कोई कहे कि इस तालेबिलम इलम को दो रुपए दे दो वो बेटा नहीं देंगे ये मुझे तावीज का दस हजार देने को तैयार है और वो उठाते थे और वो तकसीम कर देते थे क्या बात है अब क्या बात है डॉक्टर साहब मैं मैं उस्ताद कहता हूँ उस्ताद मोहतरम कहता हूँ हमारे एक उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत दे प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर गुजर खां में रहते हैं उनके पास जब भी जाते थे तलीम का बहुत सा हिस्सा हमने उनके साथ गुजारा है वो सुबह किसी को फजर पे उठाते नहीं थे खुद उठते थे वज़ू करते थे और ऊंचा ऊँचा इकबाल पढ़ते थे हम सिर्फ फजर पे इसलिए उठते थे कि यह इकबाल पढ़ना बंद कर दें ये क्यों इतना ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हैं। फजर पढ़ते सो जाते लेकिन उसका फर्क यह पड़ा कि आज फर्क फजर पे ना उठना जो है ना वो गिल्ट पैदा करता है डॉक्टर साहब तो ईमानदाराना तरीके से क्या आज का एक टीचर एक उस्ताद वाकई इतना फ्री है कि वो उस अपने तालब इल को आउट ऑफ बॉक्स ले जाके बैठा कर घर बुला कर घर जा कर कोई ऐसा रिश्ता कायम कर सके जो कि वो तालब इम जो है वो ज़िंदगी भर याद कर सके बिलाल भाई आज आज के दौर में इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं एक तो ये है कि तादाद स्टूडेंट्स की बढ़ चुकी है तो जो इंटरेक्शन का एरिया है वो क्लासरूम रूम और जहाँ तक इवेंट्स इस हद तक है डॉक्टर साहब तालब के अंदर जहद है कि वो सीखना चाहता है ज़्यादा मैं मैं समझता हूँ कि जो तलबा तलबात यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उनके अंदर सीखने का जज्बा होता है वो बुनियादी तौर पर उसी नीयत से कामयाब होने का या ज़िंदगी सीखने का बिल्कुल अब ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम जब वो आते हैं जब नए नए यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं उस डिग्री प्रोग्राम्स में आते हैं तो उनको एक 360 डिग्री ओवरव्यू दें कि उनके यूनिवर्सिटी का जो पीरियड है इसका पर्पस क्या क्या है क्योंकि तो अक्सर उसमें से मुकम्मल तौर पर आशना नहीं होते कि वो चाहते क्या हैं ये यही इंसान की जो जो डेवलपमेंट है इसका अलमिया ये कि एक ज़िंदगी में ऐसा स्टेज होता है जब वो मुकम्मल तौर पर जानता नहीं जैसे गालिब ने भी तो कहा है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज़ रॉ के साथ हाँ, जानता नहीं हूँ हाँ, अभी राह को मैं डॉक्टर साहब जितने तालब इम हो गए हैं इस वक्त क्या उस्ताद वाकई ताल्लुक रख सकता है ये बहुत चैलेंजिंग है टेक्नोलॉजी से ऑगमेंट करके रख सकता है आ, आज आजकल के दौर तो में पर्सनल नहीं होगा हाँ उतना पर्सनलाइज नहीं होगा डेफिनेटली uh, लेकिन ताल्लुक दो तरह का है जैसे uh, जैसे ताल्लुक़ एक ऐसा भी है कि uh, कभी पर्सनलाइज ताल्लुक भी चाहिए होता है लेकिन बहुत सारा जनरलाइज वे में अगर इंटरेक्शन हो ग्रुप इंटरेक्शन हो तो उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेनिफिट डिराइव कर लेते हैं लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि एक पर्टिकुलर तालब इल को उसकी अपनी जो सोच है जो तरक्षाने तरक्षाने आज आग... का नौजवान जो आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं या यूनिवर्सिटी से बाहर देखते हैं आज का नौजवान आपको क्या मुख्तलिफ लगता है मॉरली और इंटेलेक्चुअली जहनी तौर पर और मैार के तौर पर आज का नौजवान मैं समझता हूँ कि कि हर दौर में नौजवान इसी तरह के होते हैं कि वो कटिंग एज पे होते हैं अपने मुआरे के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उनके उनके पास उन्हीं सवा, वही सवाल होते हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है मे मेरी इस कायनत में मेरी इस दुनिया में मेरा मेरा मुकाम है? क्या मैं कि है अल्लाह है कि नहीं मैंने क्या रोल प्ले करना है ये सब कुछ जो मुआरा मुझे बताता है सच है या जो इतने सारे एक दूसरे से कम्पीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैं इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे अडोप्ट करना है तो तो ये सारी कशमकश उसके जहन में होती है एक यंग के जहन में उसका जवाब मिल रहा होता है उसका जवाब उस तरह नहीं मिल रहा होता वो गूगल दे, रहा, है। वो तो वो दे रहा, रहा होता है वो गूगल से तलाश कर रहा होता है वो वो जिसे कहते हैं कि टामक टूँ मार रहा होता है और कभी कभार वो स्टंबल कर जाता है सही उसके ऊपर लेकिन अगर इस गाइड का रोल प्ले करें अगर इस खुद इस बात को समझें कि उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के अलावा बहसीत इंसान उसको उन सवालों का जवाब देना है कि जब उसका ज़हन यकसूँ होगा तो वो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट कर सकते हैं आज से दस साल बाद आप सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में आज जो तलब इलम है बीस में आए हैं ज़ाहिर दस साल के बाद ये किसी मकाम पर होंगे क्या इनमें कोई बानो आपा होगी क्या इनमें में कोई फाक होगा इसमें कोई मुफ्ती होगा डेफिनेटली देखें ये तो आ, मैं मैं उन लोगों में से हूँ जो कुदरत के निज़ाम में बिलीव करते कि हर दौर में एक इब्राहिम आता है जैसे इकबाल ने भी कहा ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, है। सनम कदा है ला हो जाए जी तो तो जहाँ तो हमेशा सनम कदा होता है और है। हर दौर अपने इब्राहिम को तलाश करता है तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जनरेशन में भी आएंगे मुफक्र आएंगे मैं झाती तौर पर इसका कायल हूँ कि डेफिनेटली उनका लेवल डिफरेंट हो सकता है उनकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है उनकी चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं वापस आके ना डॉक्टर साहब ये बात छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास आज मेरा उस्ताद जो है वो किसी के कंधे पे हाथ रखेगा तो फिजिकल अब्यूज का उसको क्लिप मिल जाएगा बिल्कुल ऐसा है ना? ऐसा है बिल्कुल ताहर भाई मैं इसरार साहब को मिला तो मेरे जहन में बड़े सवाल थे मैं आठवीं क्लास में था मैंने उनको एक दिन कई सालों बाद सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ऐ दसो ये बताएं कि वाकई अल्लाह है आज मैं अगर किसी से पूछूं तो एक तो मैं जरूरत ही नहीं कर सकता दूसरी जरूरत यह नहीं होगी कि मेरे पे फतवा लगेगा लेकिन इसरार का और आज का फर्क जो है ना वो यह है कि इसरार ने अपने साथी को कहा उन्हें क्या अब यह बच्चा कहीं नहीं जा सकता अब यह फंस गया ये इसने वो, सवाल बुनियादी बुनियादी सवाल कर दिया कि रब है कि नहीं है मदारस में क्या आज डॉक्टर इसरार की जगह है और क्या बलाल कुतुब आज वहाँ तालब इम हो सकता है बिलाल भाई बिल्कुल है ऐसा नहीं है आ, मैं सब जगह तो नहीं कहता लेकिन मैं समझता हूं कि यही अगर हमने आगे बढ़ना है मैं मैं वो तालबिल हूँ जब मैं दौरा हदीस में दाखिले के लिए गया तो ये मारूफ था कि जनाब जो टोपी पहन के नहीं जाता जामया में उसे दाखिला नहीं मिलता जामया इशरफिया में तो थोड़ा थोड़ा हमने उस वक्त तालबिल की सियासत जमीत तलाबा इस्लाम में तो मैं बगैर टोपी के चला गया दाखिला ना नाजिम साहब ने कहा कोई दाखला नहीं भाग जाओ वो जानते थे जो भाई थे उनके आए, हाए, हाए, हाए। हाए, हाए। तो तो साथ दारुलूम देवबंद में पड़े थे तो मैंने उन्हें जाके अपने नाना के भाई का बताया कि मैं मौली अजीम साहब का नवासा हूँ उन्होंने एकदम उठे मुझे प्यार किया वो कहा जल्दी फार्म लेके आओ ये मेरा नवासा है मेरे यारदात नवासा ये और नाजिम साहब को डांड डपट की उन्होंने कहा जी ने टोपी नहीं पाई उन्होंने कहा टोपी द इम्तिहानी देना इन्हें मिशकत दम्तहान देना है डांटा वो मुझे भेज दिया मैंने जाके सूफी सरवर साहब हमारे उस थे वो उन्होंने इम्तिहान लिया और मुझे उन्होंने कह दिया कि पास है दाखिला दे दें इसको मैंने पूरा साल मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी जिंदगी आज अशरफी जहां पर भी है, है। इसमें मेरे ये साथी था जिन्होंने तरबियत की मेरी मैं अगर क्लास में नहीं होता था शेख मूसा खान साहब वो लाहौरी साहब किधर हैं वो पूछते इस अंदाज से थे, थे कि बिलाल भाई जरूरत ही नहीं होती थी कि क्लास में ना गैर हाजिर हो हाँ। मारते नहीं थे कोई जबर नहीं करते थे उसके बाद मैं आपको एक छोटी आखिरी बात कहना चाहता हूँ ये बड़ा अहम है मौलाना समी शहीद राम के साथ हम कसूर से वापस आ रहे थे तो एक मौली साहब मुझे तबलीग शुरू हो गए कि जनाब तू टोपी नहीं पहनता तो ये नहीं करता जिस तरह <laughs> इनको भी तबली <laughs> मौलाना समी उलाग शहीद ने मुझे आज तक याद है कि वो कसूर से शुरू हुए अब मेरे ऊपर वो हाँ। तो उन्हें यहाँ

वापस आइए उस्ताद की कितनी जरूरत है आज फैसला करने की प्रोफेसर साहब से ये बात पूछते हैं। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना था चीजों का पता नहीं था और ये भी नहीं अंदाज़ा था कि किनशिप क्या होती है और किनशिप पे नंबर होते थे तो मैंने कागज़ जमा कराए तो मुझे आखिरी दिनों में पता चला कि वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट चीज़ होती है जो कि नहीं लगाए हुए थे तो मैंने वाले साहब को आके बताया मैंने कहा वो करैक्टर सर्टिफिकेट वो कह रहे हैं कि वो नहीं है तो वो लगा वाले साहब ने साइकिल पकड़ी चले गए वहाँ पर वो भी रामियन थे तो उन्होंने प्रिंसिपल के कमरे में जाके कहा कि यार मैं इसका अब्बा हूँ तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये ठीक है करैक्टर इसका उस आदमी ने अल्लाह उसको जन्ना नसीब करे उसने साइन कर दिया उसने कहा जी ठीक है गवाही बाप दे रहा है डॉक्टर साहब जिस मुल्क में साठ पैसठ फीसद नौजवान हों क्या आज कुर्सी पे बैठा हुआ एक डॉक्टर अतर महबूब यह फैसला अपने हाथ से कर सकता है ये दौर इस वक्त जो है इंतहाई एक रेगुलेटेड दौर है और अगर इस तरह आर्बिट्रेरली फ़ैसले किए जाएंगे तो फिर शिकायत होगी लोग कोर्ट में जाएंगे और फिर चीज़ें अनफॉर्चुनेटली स्कैंडलाइज हो जाएंगी तो आज आजकल के दौर में जो जो लेवरेज है या फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही कम है अलबत् अलबत्तः है ज़रूर ये ये कहा जा सकता है कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है डेफिनेटली लेकिन उस उस तरह का नहीं ये बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है एक एक सीट के लिए कंपटीशन होता है दाखिले के वक्त तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा तालब इम आया आपके पास जो सामने आया आपसे कहीं बैठ जाओ रुके कि नहीं मैं नहीं आपके सामने बैठूंगा आ, नहीं आ, आजकल के दौर में इस तरह की अब शर्म और झिझक तो नहीं है आ, अब जो तलब इल है वो डॉक्टर हैरत होती आ, हाँ बिल्कुल आहाम. हम लोग अक्सर औकात रास्ते बदल लेते थे जब अपने सीनियर ये टीचर आ आ, आ आ देखी थी अगर चेयरमैन जो है उन्होंने आपकी शक्ल नहीं देखी तो आप महफूज हैं अगर वो आपको ज्यादा पहचान लेंगे तो आप शायद खतरे में आ जाए बिल्कुल वो फिर डॉक्टर साहब ये जो पैंसठ साठ फीसद नौजवान हैं क्या हमारे स्कूल से लेके क्योंकि स्कूल भी अब प्रोफेशनल है वो भी मुझे लगता है इंडस्ट्री है यूनिवर्सिटियाँ इंडस्ट्री है कमाई के ज़रिए बन चुके हैं तरबियत का ज़रिया वाकई आपको लगता है कि बहसीत उस्ताद मैं या आप हमारा वाकई कोई सच्चा करदार हो सकता है आ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि लिमिटेड हद तक तो स्टूडेंट्स उनके साथ ग्रुप्स ये कर रहे हैं कि एक एनवायरनमेंट तरबियत की क्रिएट कर रहे हैं इस इसको ही हमने एक्सपैंड करना है कि इसको का, इसका कवरेज जो है नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट ऑफ स्टूडेंट बॉडी तक जाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट बॉडीज़ बड़ी हो गई हैं तादाद में ज़्यादा हो गई तो अब जो टाइम है टीचर का घंटे दिन में उतना ही है तो आइंदा आने वाले वक्त में तो ऑनलाइन हो रही है टीचिंग अब तो कॉन्टेक्ट तो आज ही ख़त्म हो गए बिल्कुल और चीज़ें डायल्यूट हो रही हैं अब अब यही तो इस ज़माने का चैलेंज है कि हमें फिर ऑनलाइन uh, इंटरेक्शन और फिज़िकल इंटरेक्शन का कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करना होगा कि हम उस तरबियत के एलिमेंट को आ, मिस आउट ना कर जाए टोटली जो कि एक इंतहाई अहम एलिमेंट है भाई बात ये है कि जो इन हितात आया ना जवाल यही जवाल। है, है मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं गवर्नमेंट कैंपरी स्कूल में अरबी टीचर था एक बच्चा बहुत ही शरारती था और नलायक भी आखिरी दर्जे का था रोज उसका बाप उसको मार के लाता था मैंने एक दिन उसके बाप को कहा कि आपने इसको मारना नहीं है आप मैंने उसे प्यार किया मैंने कहा तुझे नहीं आता ना कुछ कोई नहीं। बात नहीं कोई बात तूने स्कूल आना है देख तेरा मेरा वादा ये है तूने स्कूल आना है मारूंगा नहीं तूने स्कूल आना है थो, थोड़ा वो फैम थोड़ा सा बेचारा उसके यूनिफॉर्म का मैंने उसी वक्त उसके वालिद को कहा कि भाई ये आप ये बगैर स्त्री बगैर वो हम करेंगे एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बताया जी कि बाहर कोई नेवी का बहुत बड़ा कोई अफसर आया है और वो और वो तो वो तो कहता है मैं आपके बाबा का हूं। अच्छा मैंने कहा यार मेरा कौन सा शकिर होगा जो चलो बुला लो मैंने कहा तो वो आया तो आते ही उसने मेरे गोडो पे हाथ लगाया हा। और जमीन पे बैठ गया उठाया मैंने कहा उसने कहा नहीं सर आपने मुझे नहीं पहचाना मैंने कहा नहीं उसने कहा मेरा वालिद बाहर खड़ा है उसे अच्छा उसका वालिद आज भी साइकिल पर है हाई उसका हाई। वालिद आज भी साइकिल पर है वो जब आया उसे मैं जानता था उसने कहा हाफिज साहब ये वही बच्चा है हाई हाई। मैं तो इसको साइकिल या कहीं किसी दुकान पर डालता ये काम करे सर वो उस्ताद है आज वो उस्ताद भी नहीं है बड़ी मादरत के साथ बच्चे को पकड़ के झंझोड़े के तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे तुम ये रखो किताब इधर तू तबाह होने जा रहा है कि मेरा जो उस्ताद था आपका उस्ताद था वो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार जरूर हमें लेके बैठता होगा कोई हमें कहानी सुनाता होगा कोई हमारे साथ चाय का कप पीता होगा कोई फ्रूटर खाता होगा वो उस्ताद की मुझे एक बात है अब दिल से जवाब देना आपने दिमाग से नहीं देना पक्की बात ना बिल्कुल बिल्कुल तब थे आप एक उस्ताद स्कूल के बिल्कुल आपने बदली जिंदगी एक खुदा मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ अल्लाह एक जिंदगी बदलने पर पता नहीं क्या जर देगा सोचा नहीं जा सकता आज आपके पास ताकत है ज्यादा आज आप रियासत मदीना बनवा सकते हैं या उस तरफ हमें लगा सकते हैं कप्तान को आप मशवरा दे सकते हैं गलत या सही आज आप क्या करेंगे देखिए बिलाल भाई सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है वो है एक निशाब तालीम

वो जो नोट्स वो मंगवा लेते हैं या टीचर दे देते हैं उसके अलावा उन्होंने कभी किताब के अंदर से पढ़ाई नहीं होगा तो यार ये किताब छोटी करो उसको अपने साथ बिठाओ कोई बताओ ये मेरी आने वाली नस्ल है इसको बचाओ और अगर आप नहीं बचाएंगे इसको तो फिर याद रखें आज मैं आपसे एक बात अर्ज करूं को कहने वाला कहता था कि बड़े बड़े जो मरा है ना कभी उनके कब्रस्तानों में जाओ जाके गोरगन से पूछो कि कितना अरसा हुआ इस कब्रस्तान में वो कहता जी दो साल बाद साहब आए थे फूल फैन पांच साल बाद तो ये कब्र वाले का तो पंद्रह साल से लेकिन आपको ये भी बता दूं हाँ. कि आपको ये कब्र वाला जिसका पंद्रह साल से पीछे कोई नहीं आया इसका बेटा कौन है वो जो फुलाम बड़ा साहब है ना वो इसका बेटा है फिर हमारा हाल भी ये होगा अपने लिए नहीं अपनी कबरों के लिए अपनी बच्चों की तरबियत हाफ बड़ी अच्छी बात है हाफा जी ढाई साल और है मेरे कप्तान के अखर ये आपका वादा इनशाला पूरा ना ना हुआ नहीं ये होगा ये बहुत ढाई साल नहीं छे माह में आप मैं यहां बैठ के मैं आपको बताऊंगा आए आए आम की तरफ, तरफ बिल्कुल छह माह के अंदर एक, एक निशाब तालीम एक ये हम कौम को दे देंगे इन खुदा की कसम मुझे खून बहाना पड़ा मैं इसके लिए आपके साथ बहा दूंगा डॉक्टर आपका जो इंस्टीट्यूशन है ना जी एक तो ये है ही रोमांस ये उन यूनिवर्सिटीयों में से है जिनको देख के मजा आता है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी है बहावलपुर यूनिवर्सिटी है कमाल कमाल ऊपर से आप खाजा फरीद टाइप कॉन्फ्रेंसस करा देते हैं जी मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूँ मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि खाजा फरीद कॉन्फ्रेंस बैठ के बहावलपुर में देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो वहां पे वो इंटेलेक्ट होगा जो मैं लाहौर में सोच नहीं सकता कमाल सादा लोग चपलों में आके जो बातें करके जाते हैं उड़ा के रख देते हैं उड़ा के वही रख देते हैं आज अगर ये नसाब एक हो जाता है और हम रियासत मदीना की तरफ चलते हैं जी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी इस रोमांस को कैसे कैश करेगी कैसे इस्तेमाल करेगी जी बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो है डेफ़िनेटली इन आइडियाज़ को शेयर करती जो आपने बताया और uh, ख्वाजा फरीद कॉन्फ्रेंस जो हमने कराई थी uh, हमारा इरादा है कि मार्च में अगर कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होते हैं तो मार्च अप्रैल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जाए कि दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाए और डेफिनेटली uh, 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 जो जो कल्चर है जो उस मट्टी के अंदर uh, प्यार मोहब्बत है बहावलपुर के अंदर जो जो मिशार मोहब्बत और शाऊर और अकल भी डाले इसमें बिल्कुल शुरू जो जो बाहावलपुर रियात के दौर से आपने देखा कि सगीर के मुसलमानों के लिए हमेशा से उधर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आया इंटेलेक्चुअल हाँ। कॉन्ट्रीब्यूशन भी आया फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन पोलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन भी हर लिहाज से तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बताइए जो यूनिवर्सिटी ने जितने पी एच डी यहाँ से पैदा हुए हैं ना जी कहीं से नहीं हुए बिल्कुल ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल ये आने वाले वक्त की कॉन्ट्रीब्यूशन है रियासत मदीना में आप क्या देखना चाहते हैं रियासत मदीना में देखें हम देखना चाहते हैं एक फ़लाही रियासत एक ऐसी रियासत के जिसके जो शहरी हों वो नमूना हों तहजीब का इल्म का मैं सिर्फ इसमें एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आज से कोई तीस साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी डॉक्यूमेंट्री थी जब क्रूसेडर्स ने इन्वेड किया था जरूसलम को तो उन्होंने मिसाल दी थी कि क्रूसेडर्स की जो अच्छी डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन ने बनाई थी ब्रिटिश ने बनाई थी हिस्ट्री पढ़ के लेकिन उन्होंने कहा कि दो फौजों में एक, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था कि जो मुसलमानों की फौज थी उसके अंदर लड़ने वाले पोइट थे फिलोसफर्स थे राइटर्स थे और जो यूरोपियंस के क्रूसेडर्स की फ़ौज थी उसमें वो जंगली वो वो गोश्त भी इंसान का कारण वो वो गोश्त भी खा लेते थे वो लोग थे ऐसे लोग थे जंगली लोग थे जिनका इल्म और शूर से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था, जबकि मुसलमान जो फ़ौज थी हर लड़ने वाला फ़ौजी जो था फलासफर राइटर पोइट साइंटिस्ट था तो 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 गर्चे के हमारे कॉमों पे अच्छे और बुरे वक्त आते हैं लेकिन जो अफराद हैं कौम की वही सरमाया होते हैं और अपनी ह्यूमन की जो कैपिटल डेवलपमेंट अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें रूज दोबारा मिलेगा एक दफ़ा और वादा कर दें कि नसाब एक हो जाएगा तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कहते थे कि ये प्राइवेट जो इदारे हैं हाँ, ये ये जो है अपने नशाब में मुदाखलत नहीं करने देते अलहदुल्ला बतौर चेयरमैन मुतहद बोर्ड बहुत सारी चीज़ें ठीक करवाई हैं और करवाएंगे और जो नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम की अहसास पर निसाब में कोई चीज आएगी हमारे हीरोस वो आएंगे बिल्कुल, आएंगे, बिल्कुल आएंगे अच्छा ये मैं बात जो है ना ये दोनों अपने हाथ खड़े करके कह रहा हूं वक्त बिल्कुल खत्म हो गया इंतहाई ममनून जिन लोगों ने आज इन दो प्रोफेसरों और वाइस चांसलर को सुन के अपनी औलादों को यह दिखाना और सुनाना है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की तामीर कर रहे हैं और आइंदा करेंगे जो नहीं बता सकते उनको कहते हैं बदकिस्मत